96 या उसमें जब मेरे बच्चे बड़े हो गए तो मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला और प्राइवेट प्रोडक्शन के लिए मैंने टेलीविज़न वालों से बात की कि ये आप लें, मैं अच्छी सी एक करके दूंगी। और मेरी पहली प्रोडक्शन जो थी मैं सैन फ्रांसिस्को में करके आई और उसकी बड़ी वाह वाह मच रही थी और सब ने वहाँ से वो ख़रीदा भी मुझसे। तो ये चीज़ करने के बाद इतने में मेरा बेटा छोटा जो है वो पढ़ के आ गया था, बाकी भी पढ़ लिया था, एक ने आईटी किया, अभी तक सिलिकॉन वैली में है वो, दूसरे शुगर मिल के अपने बिजनेस में है। इसने मार्केटिंग और बिजनेस में किया था तो मुझे कहने लगे कि अम्मी आप ऐसा क्यों नहीं करते, उस वक्त चैनल्स खुले। और मैंने जो है रिज़ाइन भी कर दिया था टीवी से, कहने लगे चलें चैनल खोलते हैं। मैं चैनल कैसे खोलूं, प्रोडक्शंस करके मैं सेल तो करती हूँ, कुछ बीबीसी को बेचे, कुछ कहीं पे बेचे। तो बहरहाल हमने हिम्मत की और 2004 में 2002 से हमने उसकी जो है फिजिबिलिटी बनाई और ये पहला नेटवर्क है पाकिस्तान का, 67 चैनल्स हैं जिसमें वाहिद वो है जो कि पब्लिक लिस्टेड है। अब ये भी एक विज़न होता है कि पब्लिक लिस्टेड करें। अब लोग बनाने जाते हैं लेकिन उनके कुछ हिसाब किताब ऐसे हैं कि इतना ईजीली हो नहीं सकता। वो किया और विद इन 5 ईयर्स या 7 ईयर्स हम टॉप 25 कंपनीज में आ गए। उसके बाद हमने जो है जो सबसे बड़ा काम मैंने किया, और मैं हमेशा सोचती हूँ कि जब इंसान यहाँ आया है तो वो इंसानों के लिए जिए और काम करे सोसाइटी के लिए। अपने लिए तो जीता ही है ना, वो तो हम कर ही रहे हैं बच्चों के लिए, अपने लिए, लेकिन अगर सोसाइटी के लिए नहीं किए तो मुझे लगता है कि हम बिल्कुल बेकार लाइफ गुजार के गए। तो जब टेलीविज़न आ रहा था तो मैंने कहा अच्छा फिर मैं ऐसे करूँगी कि सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामे करूँगी, क्योंकि उससे पहले ये हो रहा था कि जी इंडियन ड्रामे ढिष्टम, ये जो सास भी बहू और ये वो चल रहे थे। तो मैंने कहा भाई ये मैं करूँगी। तो मुझे याद है इसी तरह से कहीं हम बैठे थे, पहला प्रेस शो था, किसी ने पूछा कि आप इंडियन नहीं लाएंगी, मैंने कहा नहीं और मैं पाकिस्तानी लाऊंगी, कैसे, मैंने कहा बहुत अच्छी बच्चियाँ हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, आ जाएंगे। और ऐसे ही हुआ कि आज आपने देखा हर बच्ची जो है यहाँ पे है वो हमारे चैनल से या किसी न किसी तरीके हमारे से मुंसलिक रही और कामयाबी। और इस वक्त पाकिस्तान का ड्रामा जो है वो न सिर्फ यहाँ पे, जहाँ पे भी उर्दू बोलने वाले जहाँ पे भी हैं, चाहे यहाँ पे यूके में और दूसरी कंट्रीज़ में, वो सब नंबर वन पे इस वक्त यूके में हम टेलीविज़न हैं। और जिसने रिश्ते, कलर्स और जी सबको पीछे छोड़ा, मैं अभी गई थी तो ये हुआ। हम यही चाहते हैं कि ये हो पाकिस्तान, ये है कराची, ये कराची की, ये कराची की एक नौजवान लड़की खड़ी है यहाँ पे आपको बता कि जो चीज़ हम कर सकते हैं वो आप क्यों नहीं कर सकते। मैं इस वक्त भी, मेरा ख्याल है कि 14 से 16 आवर्स काम करती हूँ, तो ये चीज़ है। और फिर उसके बाद मसाला चैनल था, कुछ पब्लिकेशंस हैं जिसमें न्यूज़ लाइन भी है और ग्लैम वगैरह, और फिर मसाला चैनल किया, वो भी लोगों ने कहा सक्सेसफुल शायद नहीं होगा, लेकिन हमने खोला। उसके बाद और लोग भी आए उसमें लेकिन ऐसा वो नहीं कर सके और हमारा वो सक्सेसफुली चैनल भी चल रहा है। और अमीन मैं आपको बताऊँ एक बात कि एक महीना हुआ है यूके में हमने ये शुरू किया मसाला चैनल। अब टाई किस में हो रही है, हम टीवी और मसाला, वो इतना हम तो सोच भी नहीं सकते थे। तो ये है, फिर मेरा फैशन और उसमें भी था कि पाकिस्तान का बहुत अच्छा फैशन है, आगे आना चाहिए। तो मैंने फैशन शोज़ और तो जो चंद हमारे डिज़ाइनर्स थे, अब हमारे बहुत से अच्छे डिज़ाइनर्स जो हैं वो यहाँ पे हैं, आए हैं। तो ये एक चीज़ है। अब मैं कुछ और बताऊँ थोड़ा सा, बिल्कुल एक दो मिनट लूँगी, कि हम अब जो है न्यूज़ चैनल भी लाने वाले हैं,
मुझसे लोग कहते हैं अच्छी भली बैठी थी तो न्यूज़ चैनल क्यों ला रही हो भाई। देखें विजन जब आपका अपना होता है ना तो आप उसमें सक्सेस भी करती हैं, और कभी कभी मैं जो ये देखती हूँ कि ये पॉजिटिविटी क्यों नहीं, हमारे पास टॉलरेंस क्यों नहीं है, हम किसी को भी काफिर बना के मार देते हैं, किस जिसको दीजिए, चाहे मिशेल बना मार दे या हमारे भाई जो हैं वो कंदील बलोच को मार दें। भाई तुम जिस तरह रहना चाह रहे हो रह रहे हो, तो उनको जीने दो सबको। न्यूज़ चैनल में मैं सारी बात तो नहीं कह पाऊँगी, कोशिश मेरी ये होगी, कामयाब आप लोग करेंगे क्योंकि मेरे व्यूअर भी आप हैं, मेरे सराहने वाले भी आप हैं, तो वो होगा कि ये आपके यूथ की आवाज़ होगी, ये हमारे ऐसे बच्चों की आवाज़ होगी जो टैलेंटेड हैं, जो हमारे पाकिस्तान में इतनी अच्छी अच्छे टैलेंटेड, हम उनकी बात नहीं करते, हम कहते हैं कारोकारी कैसे हुआ, फला चीज़ कैसे हुआ, इसको कैसे मारा, वो भी दुख होता है, वो भी बताना चाहिए, लेकिन 24 घंटे उसको ये है ब्रेकिंग न्यूज़ गधा गटर में गिर गया, ये नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ना हमें सोचनी पड़ती हैं कि किस किस्म की ब्रेकिंग न्यूज़ हो या ना हो, आजकल हमारे पे ये बहस हो रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़ ये नहीं हो कि नवाज शरीफ जहाज़ के लिए चल पड़े, अब चल पड़े तो चल पड़े भाई, तो आई मीन टू से ये है, तो बस हम ये काम करने जा रहे हैं, दुआ कीजिएगा कि उसमें भी बेहतर हो, और उसमें कोशिश है कि हम जो है आई एम कराची जैसी चीज़ें दिखा सकें, हम पाकिस्तान की अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें दिखा सकें, खूबसूरत जगहें दिखा सकें, जो मैं करती रही हूँ।